हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी। एक नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी, और इंग्लिश में से हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, थोड़ा सा हम इस टॉपिक में जो है कुछ कॉमन जो बात है, जो सामान्य बात है, जो आपको जानकारी होना चाहिए क्वेश्चन बनाने से पहले, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। जब ये एक समकोण त्रिभुज होगा तो एक कोण इसका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये जो लंब दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, तो लंब कहते हैं, या इंग्लिश में प्रीपेंडिकुलर कहते हैं। पी के द्वारा सूचित करते हैं। और ये नीचे की ओर जो बीसी है, बीसी भुजा को आधार कहते हैं, और इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं। बी के द्वारा सूचित करते हैं। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, या हाइपोटेनस कहा जाता है। एच के द्वारा सूचित करते हैं। और ये जो है, जब कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ हो, कहाँ बैठा हुआ हो, ऊपर बैठा हुआ और नीचे की ओर देख रहा हो, तब जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो इसके आँख के बीच और रेखा, इस रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण। और जब कोई व्यक्ति नीचे बैठा हुआ हो, कहाँ हो, नीचे बैठा हुआ हो और ऊपर के व्यक्ति को देख रहा है, यानी सी जो है ए को देख रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जब देख रहा है तो इसके बीच जो कोण बनता है, और इस आँखों के रेखा के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को क्या कहते हैं, तो उन्नयन कोण कहते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3। आइए देखिए 3 का पहला क्वेश्चन। देखिए, 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज है, क्यू आर 8√3 मीटर और कोण क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री, तो आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए, कह रहा है कि आर पर जो है पी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कब कहते हैं, तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है तब होता है उन्नयन कोण। तो ये कोण जो है आपका कितना हो गया, तो 60 हो गया। कितना हो गया, ये 30 दिया हुआ है, और ये कोण हमसे पूछ रहा है उन्नयन कोण। तो अगर ये कोण कितना होगा, तो ये देखिए, तो अगर इस लाइन पे इस लाइन को खड़ा कीजिएगा तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये तो आपका 30 दिया ही है, तो ये कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा। और जब ये 60 कोण बनेगा तो ये भी आपका कितना बनेगा, 60 बनेगा, चूँकि ये दोनों जो हो जाएगा एकांतर कोण हो जाएगा, और एकांतर कोण क्या होता है, बड़ा होता है, तो बराबर होता है। तो आपका जो है एक का पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए का पहला, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जबकि दूसरा देखिएगा, तो दूसरा कह रहा है पी पर आर का अवनमन कोण, पी पर जो है आर का अवनमन कोण, मतलब पी जो है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, फिर भी ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी इसका दूसरा का भी कितना आंसर हो जाएगा, तो दूसरा का भी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। और तीसरा कह रहा है कि क्यों से पी की ऊंचाई, मतलब क्यों से पी की ऊंचाई, यानी हमसे ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिने साइड में जो है पिक बना लीजिए, इस तरह से पिक दिया हुआ है, नाम दे दिया है क्या आर क्यों, और इसका नाम दे दिया पी। देखिए, ये दे दिया कितना डिग्री, तो 30 डिग्री दे दिया, और ये आपको नहीं मालूम है, और ये जो है 90 डिग्री दे दिया, और इसका जो क्यू आर दे दिया है 8√3। तो देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया पी क्यू, तो पी क्यू यदि निकालिएगा तो ये आपका ये कोण आपको लेना है। तो देखिए, ये कोण कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 3 कोणों का योग कितना होता है, तो 180 होता है, तो 90 और 30 कितना हो गया, 120, और 60 को जोड़ दीजिएगा तो 180, यानी ये कोण कितना हो गया, तो 60 हो गया। अब ये निकालना है, तो इसमें और इसमें संबंध लीजिएगा तब ये निकलेगा, और ये कोण ले लीजिए, तो कौन सा लगाइएगा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो जाता है, कॉस लगाइए तो कॉस थीटा बराबर होता है, आधार बटा कर्ण दोनों में संबंध आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इससे निकल जाएगा। तो निकालिए कॉस थीटा, थीटा आपको मिल गया है 60 डिग्री, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब, आधार आपका हो जाएगा आर क्यू, और लंब हो जाएगा पी क्यू। देखिए, आर क्यू है कितना, तो 8√3 है, और ये आपको कुछ नहीं मालूम है, तो ये वैसे ही लिख दीजिए, सॉरी, ये जो है कॉस थीटा होता है आपका, हो जाता है आधार बटा कर्ण ना, तो ये तो नहीं लगेगा, तो लगेगा कौन, तो लगेगा आपका टेन थीटा। कौन सा लगेगा, टेन थीटा, टेन 60 डिग्री इजकल टू आर क्यू बटा का पी क्यू। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, आर क्यू का वैल्यू 8√3, और ये जो है लंब लेना था ना, तो लंब आपका पी क्यू होगा, पी क्यू हो जाएगा, और ये आर क्यू हो जाएगा, तो यहाँ जो है ये आपका पी क्यू ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 8√3। अब देखिए,
इससे इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक रख दीजिए, एक को पी क्यू से कर लीजिए तो ये हो जाएगा पी क्यू, और इसको इससे कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आठ और रूट अंडर थ्री और गुना का रूट अंडर थ्री। देखिए रूट अंडर थ्री से रूट अंडर थ्री गुना होकर के क्या हो जाएगा, तो ये इस पर स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा क्या, आठ गुना का तीन हो जाएगा, यानी पी क्यू कितना निकल गया, आठ त्रिक चौबीस, कितना निकल गया, चौबीस मीटर निकल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी क्षैतिज है। देखिए बी सी क्षैतिज है तो कह रहा है ए बी बराबर आठ मीटर, तो कोण बी ए सी बराबर साठ डिग्री, तो सी पर ए का उन्नयन कोण, सी पर ए का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण सी जो है ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसके बीच जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा। ये कह रहा है कि C पर A का डैश डिग्री होगा, ये जो डैश डिग्री दिया तो ये तो आपका 30 डिग्री है ही और ये 90 डिग्री है, तो कितना डिग्री हो गया, 90 और 60 को जोड़िएगा तो 115 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचा, 30 बचा, तो जो 30 बना बचा ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण या अवनमन कोण। तो देखिए जब ऊपर से देखता नीचे की ओर तब तो अवनमन कोण होता, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, उन्नयन कोण, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, उन्नयन कोण, यानी ये आपका बी का पहला क्वेश्चन होगा और इसका सही आंसर क्या होगा, तो उन्नयन कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा कह रहा है ए पर सी का डैश डिग्री होगा, यानी ए पर सी का जो है क्या होगा, तो ए से सी को देखिएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो ये अवनमन हो जाएगा, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, तो अवनमन कोण हो जाएगा, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अवनमन कोण। अब तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है बी का, तीसरा बी से सी की दूरी, देखिए बी से सी की दूरी पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे जो दिया हुआ है, इसका नाम ए दिया, ये बी दिया और ये क्या दिया, सी दिया, इसका जो डिग्री दिया है, इसका डिग्री दे दिया है, कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री दिया, और ये कितना है, 8 मीटर है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बी से सी की दूरी बताइए, किसका बताइए, बी से सी की दूरी। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो जो कोण लीजिएगा ना, जैसे कोण हमें ए लेना है तो ए के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ए का सामने का भुजा कौन सा है, बी सी है, तो ये लंब हो गया, और ये जो लंब आपको पहले से दिख रहा था ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और कर्ण आपका वही रहेगा। हमें संबंध किस में लेना है, तो हमें जो संबंध लेना है ये दोनों में लेना है, तो देखिए ये आपका लंब है, ये आधार है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो ये आपका लगेगा टेन थीटा का, किसका लगेगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा और थीटा आपके पास कितना है, तो 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो लंब आपका हो जाएगा बी सी और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपके ए बी। देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू होता है रूट अंडर थ्री, और बी सी आपको नहीं पता है तो पी है, तो पी ए लिख दीजिए, और ये आपको 8 है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ एक है, तो एक को पी से कर दीजिएगा तो ये पी हो जाएगा, और आठ को रूट थ्री से कर दीजिएगा तो आठ रूट थ्री हो जाएगा, यानी इसका जो डिस्टेंस निकला, बी से सी तक की दूरी निकला, वो कितना निकला, तो आठ रूट अंडर थ्री मीटर। ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर एवं ए सी बराबर 2 रूट 3 सेंटीमीटर, तो कोण बी की माप ज्ञात कीजिए, किसका माप ज्ञात करना है, तो कोण बी का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए, जैसे जैसे माप दिया, त्रिभुज का कोण ए जो है 90 डिग्री है, तो देखिए ए जो है 90 डिग्री दिखा दिए, फिर कहा कि ए बी जो है, ए बी जो है वो है आपका 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये बी है, ये कितना दिया, ये 6 सेंटीमीटर दिया, और फिर कह दिया कि ए सी जो है ये आपका 2 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का माप ज्ञात करना है, यानी ये जो कोण है आपका माप, इसको माप ज्ञात कर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर ये कोण बी है तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए इस दोनों में संबंध निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा, तो हम यदि लंब बटा आधार है तो कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा, तो यहाँ लगाइए टेन थीटा, और थीटा तो आपको नहीं पता है तो थीटा को थीटा रहने दीजिए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है, तो लंब है ए सी और आधार है ए बी, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी। अब देखिए हमें थीटा ही निकालना है तो इसे लेके चलिए आगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 रूट अंडर 3 और ये हो जाएगा 6,
बहुत आसान है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। देखिए ये कट जाएगा, दो तिया कितना कट जाएगा, छः कट जाएगा। ये क्या बचा, तो ये बचा आपका टेन थीटा इज कॉल टू रूट थ्री और बाई थ्री। देखिए तो ये टेन थीटा बराबर कितना हो गया, रूट थ्री बाई थ्री। तो क्या इसे हम थ्री को लिख सकते हैं, टेन थीटा इज कॉल टू रूट थ्री, और रूट थ्री जो है इसको हम लिख सकते हैं रूट थ्री गुना रूट थ्री। जब इसे गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, थ्री ही हो जाएगा। देखिए रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, बचा क्या, वन बाई रूट थ्री। तो टेन थीटा जो है, तीन थीटा कितना आया, तो टेन थीटा आया वन बाई रूट थ्री। तो ये जो है कितने टेन थीटा, कितना डिग्री का जो है वन बाई रूट थ्री वैल्यू होता है, तो ये होता है तीस डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, तीस डिग्री, यानी टेन थीटा इज कॉल टू टेन थर्टी डिग्री, टेन थर्टी डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया, थर्टी डिग्री। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, तीस डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीन का पहला है। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी 12 सेंटीमीटर एवं कोण ए 60 डिग्री, तो शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए, अब इसका जो है नाम दे दिया है, क्या दे दिया है, कह दिया है कि कोण ए जो है ना वो कितना है, तो 60 डिग्री। मान लीजिए कि कोण आपका ये है, ये 60 डिग्री है, और आपका जो कह दिया बी है, इसे बी कह दीजिए, और ये सी। कह दिया कि कोण ए सी जो है ये 12, भुजा ए सी जो है ये 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दिया क्या, ये कोण दिया और ये कर्ण दिया, और ये क्या होगा, तो लंब होगा, और नीचे वाला क्या होगा, तो आधार होगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए लंब बटा कर्ण किसी में संबंध आता है, बिल्कुल आता है। ये किसका फार्मूला है, तो साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पी बाई एच होता है। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री दिया, और पी कितना है, पी आपके पास नहीं मालूम है तो पी को पी लिखिए, और एच कितना है, तो एच है 12, तो 12 रखिए। अब देखिए साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो ये इसका वैल्यू होता है रूट थ्री बाई टू और बटा का पी बाई 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इसको इधर कर दीजिए और इसको जो है इधर कर दीजिए, तो 12 को 3 से कर दीजिए और 2 को जो है पी से कर दीजिएगा, 2 को पी से कीजिएगा तो 2 पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 रूट अंडर 3। अब देखिए पी के साथ जो 2 है वो क्या चीज़ में है, तो गुना में है। इधर आके क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, 2 × 12, यानी पी बराबर कितना हो जाएगा, 6 रूट अंडर 3। इतना सेंटीमीटर, देखिए लंबाई हमें मिल चुका है ना, तो जब लंबाई मिल गया तो लंब बटा आधार कर सकते हैं, या फिर आधार बटा कर्ण कर लीजिए। तो आधार बटा कर्ण किस में आता है, तो ये किसका फार्मूला होता है, कॉस थीटा का। और थीटा तो आपको पता है कितना डिग्री, 60 डिग्री। आधार कितना है, तो आधार बी मान लीजिए, बी दिया हुआ है चूँकि, और इसका जो ऊँचाई दिया हुआ है, ऊँचाई कितना है, तो ऊँचाई है 12, यानी हाइट जो है कर्ण जो है 12, तो 12 रखिए। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी बी बाई 12। अब देखिए क्रॉस गुना कर दीजिए, 2 को बी से कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2b, और 1 को 12 से कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, 2 × 12, तो b आपका कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर निकल गया। देखिए शेष भुजा कह रहा था निकालने के लिए, ये आपका निकल गया 6 रूट अंडर 3, और ये निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो दोनों जो है निकल गया, पूरे भुजा निकल गया, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। देखिए तीन का दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री, तो भुजा बी सी भुजा ए बी की कितनी गुनी है। तो सबसे पहले आपको दिया क्या, एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बन गया। देखिए कहा कि ए बी और सी, सी आपको कितना, बी कितना दे दिया है, तो कोण बी जो है, कोण ए जो है आपको 60 डिग्री दे दिया है, और बी कह दिया है 90 डिग्री है, और तो कह रहा है कि भुजा बी सी, भुजा बी सी और ए बी जो है कि कितनी गुनी है, यानी आपको ये भुजा चाहिए और ये भुजा चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए तो इससे इस कोण को लेके चलिए, तो कौन सा लगेगा, यहाँ पे जो लगेगा आपका टेन लगेगा, कौन सा लगेगा, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब आपका कौन सा है, तो बी सी है, और आधार क्या है, तो आधार ए बी है। देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 3 होता है, और ये हो गया बी सी और बटा का ए बी। क्रॉस गुना कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक डाल दीजिए, एक को बी सी से, बी सी से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये बी सी, क्या हो जाएगा बी सी, और एक को रूट 3 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 ए बी, रूट 3 ए बी। देखिए यही चीज़ पूछ रहा था कि बी सी जो भुजा है वो ए बी का कितना गुना है, तो ए बी का कितना गुना है, रूट 3 गुना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रूट 3 गुनी है, क्या है, रूट 3 गुनी है। ये क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्या कहता है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो मान लीजिए कि कोई जो है वायुयान है, क्या है, कोई वायुयान है जो यहाँ पे उड़ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे उड़ रहा है और ये जमीन के साथ, जमीन के साथ देखिएगा तो इस तरह से ये कोण बनाएगा। तो ये कह रहा है कि जमीन के साथ जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बन गया। अब कह रहा है कि ये कितना ऊँचाई पर, कितनी दूरी पर उड़ रहा है, तो जहाँ से उड़ना शुरू किया वहाँ से इसकी जो दूरी है वो है आपका 184 मीटर। कितना दूरी पर उड़ रहा है, तो 184 मीटर की दूरी पर उड़ रहा है, तो कह रहा है इसका ऊँचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊँचाई करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, ये निकालना होगा, तो इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। इसका मतलब जब हम ऊंचाई निकालेंगे तो यानी बी सी निकालेंगे, तो देखिए कौन सा लगाइएगा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो हमें लंब चाहिए तो साइन थीटा लगा देंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी साइन थीटा लगाइए। तो साइन थीटा कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी, तो हो गया लंबाई कर्ण। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, इज कॉल टू बी सी। बी सी तो आपको नहीं पता है, तो बी सी को बी सी लिखिए। ए सी पता है, ए सी कितना है, 184, तो लिखिए 184। अब देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा, तो नीचे को ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर को नीचे कीजिएगा, तो बी सी 2 से गुना होकर के क्या हो जाएगा, 2 बी सी हो जाएगा, और 1 को 184 से गुना कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 184 मीटर। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो यहाँ से निकालना है हमें बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा 184, और ये दो गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो इसे भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18 और 2 × 4, यानी कितना मीटर की ऊँचाई पर होगा, तो ये जो है 92 मीटर की ऊंचाई पे ऊपर होगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है 4 का पहला था, क्या था, 4 का पहला। अब देखिए 4 का दूसरा, देखिए 4 का दूसरा कहता है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले। देखिए तो हमें क्या करना है, भूतल से जो है पतंग की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। तो मान लीजिए कि ये जो है आपका इस तरह का तो आकृति बनेगा ही, मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका पतंग उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, और ये ज़मीन के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, और इसकी जो लंबाई है, दूरी है, वो कितना है, 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर है, जबकि हमारे पास पहले से दे दिया, कह दिया है क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर कितना है, तो 8/15 है, क्या है, 8/15। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा का कर्ण होता है, लेकिन हमारे पास तो कर्ण यहाँ भी निकल चुका है, तो आप इसका जो है नाम दे लीजिए ए, बी और सी। हमें निकालना क्या है, तो हमें कह रहा है कि पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी सी बराबर क्या होता है, तो बी सी बराबर होता है, बी सी जो है आपका लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला लगाइएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा का कर्ण, क्या होता है, लंब बटा का कर्ण, आपके पास लंब, देखिए साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 8/15 दिया हुआ है, तो बैठा लीजिए 8/15, और लंब आपको क्या मालूम है, नहीं मालूम है, तो बी सी है, तो बी सी लिख दीजिए, और कर्ण आपको मालूम हो चुका है कितना, तो 100, तो 100 रख दीजिए। अब देखिए इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 15 को बी सी से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 15 का बी सी, और 8 को जो है 100 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 800। अब यहाँ से क्या निकालिएगा, तो यहाँ से आप बी सी निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 800, और ये गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब सिंपल सा इसे क्या कीजिए, भाग दे लीजिए, तो 800 में कितना से भाग दीजिएगा, तो 15 से भाग दीजिएगा, तो लगाइएगा 15 × 5 = 75, बचा कितना, तो 5 बचा, और ये कितना, तो 0, ये फिर लगेगा कितना, 15 × 3 = 45 लगेगा, फिर 10 में से 5 घटाइएगा, 5 बचेगा, और ये 4 में से 4 गया कैंसिल, यहाँ एक पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, फिर लगाइएगा 15 × 3 = 45, फिर 5 बचेगा, फिर यहाँ 3 दीजिएगा तो 45 लगेगा, यानी लगभग ये कितना आ रहा है, तो लगभग आ रहा है आपका बी सी जो है वो आ रहा है 53.33 मीटर। तो लगभग इतना ही लिखिए, इसे लगभग कर दीजिए, तो ये हो गया क्या आपका जो है पतंग की ऊंचाई निकल गया, क्योंकि यहाँ पतंग उड़ रहा था और यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे, तो ये आपका किसका ऊंचाई हो गया, तो यहाँ लिख दीजिए पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया 53.3 मीटर। ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 का पहला, देखिए 5 का पहला कहता है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है,
एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री, बी सी बराबर 3 मीटर तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सीढ़ी लगा हुआ है, मान लीजिए कि ये क्या है आपका दीवार है, ये दीवार हो गया। अब दीवार पर जो है क्या लगा हुआ है सीढ़ी, तो जब भी सीढ़ी लगेगा तो तिरछे आकार में लगेगा, तो देखिए तिरछे आकार में क्या लग गया सीढ़ी लग गया। अब कहा कि कोण ए सी, ए सी सीढ़ी है, ये क्या जो है इसका जो नाम है वो ए सी है और ए सी क्या है तो सीढ़ी है। कहा जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है, जमीन से किस बिंदु पर टिकी हुई है तो इसका नाम ए दे दीजिए और इसका नाम सी दे दीजिए। देखिए सी बिंदु पर टिक गया ये, जमीन से सी बिंदु पर। कोण ए सी बी, ये जो कोण दिया ये आपको दे दिया है 60 डिग्री और कह दिया कि बी सी, बी सी इसको बी कह दीजिए, बी सी जो है आपका 3 मीटर है, कितना है 3 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई मतलब ये पूछ रहा है ये आप निकालिएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमें ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसके सामने देखिएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें सिंपल सा किसमें संबंध लाना है तो आधार और कर्ण में लाना है, तो आधार बट्टा कर्ण किसका होता है तो ये होता है कॉस थीटा का, थीटा आपको पता है 60 डिग्री तो रखिए 60 डिग्री। आधार कितना है तो आधार जो है बी सी और कर्ण जो है ए सी। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो वो होता है 1/2 और बी सी, बी सी आपको पता है 3 मीटर तो 3 मीटर और ए सी नहीं पता है तो ए सी को ए सी रहने दीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे इधर वाले को नीचे वाले को ऊपर कीजिएगा, ऊपर वाले को नीचे कीजिएगा, तो एक को ए सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी और दो से इसको कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6 मीटर। यानी आपका जो ये सीढ़ी की लंबाई है वो कितना है तो वो 6 मीटर है, तो यहाँ लिख दीजिए सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना हो गया 6 मीटर। अब देखिए पाँच का दूसरा क्वेश्चन कहता है एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसके ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचा है, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या बना लेना है आपको एक दीवार बना लेना है, देखिए दीवार बन गया। अब इससे कहा कि एक सीढ़ी टिका हुआ है तो ये सीढ़ी मान लीजिए और ये जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो देखिए 60 डिग्री का कोण बन गया और ये जो है आपका सीढ़ी हो गया और ये क्या है तो ये दीवार है। दीवार का जो है आपको ऊँचाई दे दिया है, दीवार का ऊँचाई कितना दिया है तो दीवार का ऊंचाई जो है ये 15 मीटर है, कितना मीटर है 15 मीटर है, तो कह रहा है कि मजदूर जो है ईंट लेके चढ़ा तो ये कितना दूरी तय किया तो सीढ़ी जितना लंबाई का होगा उतना ही दूरी तय करेगा। तो चलिए इसका नाम कुछ मान लेते हैं ए और इसे कह दीजिए बी और इसे कह दीजिए सी। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्ण, यानी ये आपका एच हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया, तो कितने क्या लगाइएगा तो कर्ण हो जाएगा। देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण में संबंध लाना है तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध है तो साइन थीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लगाइए साइन थीटा, थीटा आपको पता है कितना डिग्री 60 डिग्री और लंब आपको पता है कितना ए बी और कर्ण क्या है तो कर्ण जो है आपका है ए सी, तो ए सी लिख लिए। अब देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो √3/2 होता है और ए बी, ए बी आपके पास कितना है तो 15 है और ए सी आपके पास कुछ नहीं है तो एच मान लीजिए। देखिए एच को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका √3H और 15 को 2 से कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 दुना का 30 हो जाएगा। अब देखिए एच यहाँ से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 30 और √3 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब देखिए नीचे जब भी कोई चीज़ रूट में होता है तो इसका हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं तो √3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए और √3 से नीचे भी गुना कर दीजिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 30 √3 और ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा 10 दिया का 30 यानी आपको जो कितना निकला वो निकला 10 √3 मीटर। यानी मजदूर जो है कितना दूरी तय करेगा सीढ़ी के द्वारा तो 10 √3 मीटर की दूरी तय करेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है पाँच का तीसरा। 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा, कहा कि 10 मीटर एक खंभा है तो खंभा बना लीजिए पहले, देखिए खंभा बन गया, इसकी ऊंचाई कितना है तो इसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर का है। फिर कह रहा है कि खंभे को सीधा रखने के लिए एक स्टील की तार एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि और दूसरे सिरा जो है क्षैतिज भूमि से इसे क्या किया गया बांध दिया गया, तो बांध दीजिए।
स्थिर किया गया। यदि तार क्षैतिज के साथ, तार कह रहा है कि ये जो तार है क्षैतिज भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए 45 डिग्री बन गया, तो कह रहा है कि इस तार की जो है लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, तो इसको मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हमें किस में संबंध लाना है, लंब और कर्ण में संबंध लाना है। तो साइन थीटा बराबर हो जाता है, तो देखिए साइन थीटा कितना डिग्री, थीटा आपको दे दिया 45 डिग्री। साइन थीटा बराबर होगा लंब, लंब कितना है आपके पास 10 है, और कर्ण कितना है तो नहीं मालूम है, तो एच दे दीजिए, कोई वैल्यू नहीं दिया है। तो देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, और ये है आपका 10/h। एच को जो है क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो ये एच हो जाएगा, और इसे इधर गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10√2। अब देखिए एच निकालिएगा तो एच इज इक्वल टू 10, और रूट अंडर 2 का वैल्यू कितना होता है, तो 1.414 होता है। अब देखिए इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0.1 अंक बाद चला जाएगा, यानी एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 14.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14.1, 4 भी लिख सकते हैं या फिर इतना ही पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका आंसर इतना ही पे छोड़ दिया। तो हम इसका 2 का जो वैल्यू है 1.41 ले लेंगे, तो इसका क्या हो गया, इतना मीटर, यानी ये तार की लंबाई कितनी हो गई, तो 14.1 मीटर। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 पूरी बन गया, देखिए 6 कहता है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, ए सी सीढ़ी है। यदि कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री और ए सी बराबर 3 मीटर तो बी सी निकालिए। क्या कहा, कहा कि ए बी, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो ए बी को क्या बना दीजिए, दीवार बना दीजिए। देखिए दीवार बन गया, कह रहा है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, इसका जो बी भाग है ना समतल भूमि के संपर्क में है, ए सी सीढ़ी है। तो मान लीजिए ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बी, समतल भूमि के संपर्क में आ गया, और ए सी जो है इस दीवार पे क्या लगा हुआ है, तो सीढ़ी लगा हुआ है। देखिए सीढ़ी लग गया, ए सी, ए सी सीढ़ी है, जिसमें बी ए सी, कौन बी ए सी जो है ये आपको दे दिया है 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री, और कह दिया कि ए सी आपका जो ए सी जो है ना, ए सी कितना है, तो ए सी जो है 3 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी सी ज्ञात कीजिए, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो जब भी कोण, अगर कोण चेंज हो जाता है तो जो कोण आपको दिया जाता है उस कोण के ठीक सामने वाला भुजा आपका क्या होता है, लंब होता है, और ये आपका आधार हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो देखिए हमें किस में संबंध लाना है, लंब और कर्ण में संबंध लाना है, तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा यानी आपका लंब हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो लिख दीजिए ए सी, साइन थीटा, थीटा आपके पास कितना है, तो 30 डिग्री है, तो यहाँ बैठाइए साइन 30 डिग्री इज कॉल टू ए सी। ए सी तो हमें कुछ नहीं पता है, तो ए सी को ए सी रहने दीजिए, ए बी सी को बी सी रहने दीजिए, और ए सी कितना है, तो 3 है, तो 3 बैठाइए। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है, और ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा 3। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, तो देखिए 2 जो है बी सी से गुना होकर के क्या हो जाएगा, 2 बी सी, और 3 को 1 से गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से आप क्या निकालिएगा, तो BC निकालिएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 3, और ये 2 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए इसमें भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो एक बार में लगेगा 2 × 1 = 2, फिर 1 बच जाएगा तो पॉइंट दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो फिर ये 2 × 5 = 10 लगेगा, यानी इसकी लंबाई जो है कितनी मीटर हो जाएगी, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। ये जो है आपका 6 का पहला था। अब देखिए 6 का दूसरा, छः का दूसरा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कहा क्या, कहा कि एक मीनार के शीर्ष, मान लीजिए आप मीनार, कोई भी कहे मीनार कहे, खंभा कहे या स्तंभ कहे, उसको आप जो आपका जो आप जो है उसे सीधा खड़ा कीजिएगा। तो कह दिया कि यहाँ से उन्नयन कोण जो है इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, कितना मीटर की दूरी पर है, तो 15 मीटर। देखिए 15 मीटर की दूरी हो गया, और यहाँ से उन्नयन कोण कह रहा था, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होगा तभी उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण इस पे जो बन रहा है ये कितना डिग्री का बन रहा है, तो ये जो है 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है इस मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए, ये आपका क्या हो गया, मीनार हो गया। इसको मान लीजिए ए और इसे कह दीजिए बी और इसे कह दीजिए सी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ए भी ज्ञात करना है, तो ए भी क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो जो हमें ज्ञात करना होता है और ये जो दिया होता है उस दोनों में संबंध बैठाते हैं। तो देखिए ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है आपका टेन थीटा, थीटा आपको दे दिया 60 डिग्री, लंब हो जाएगा
जाएगा आपका ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका बी सी। अब देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट अंडर 3, और ए बी, ए बी आपको नहीं पता है तो ए बी को ए बी रहने दीजिए, और बी सी पता है तो बी सी कितना है 15, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक डाल दीजिए, एक को ए बी से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए बी, और 15 को जो है रूट 3 से कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 15 रूट अंडर का 3। तो आपका जो है ये क्वेश्चन, आपका जो है ये मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, तो मीनार की ऊंचाई जो है आपका निकल गया 15 रूट 3, और मीटर है तो मीटर लगा दीजिए, ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सात का पहला कहता है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है आपका नदी है, नदी है, और ये जो है इस पर पुल बना हुआ है, क्या बना हुआ है पुल बना हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है तो 236 मीटर है, और ये तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो तल के साथ जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। तो देखिए ये जो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई तो यही होगा नदी का, तो इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, और इसे मान लीजिए सी, तो हमें किसमें संबंध लाना है, इसमें और इसमें संबंध लाना है, तो ये 30 डिग्री है, तो इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण किस में आएगा तो साइन थीटा में आता है, तो साइन थीटा कितना दिया तो 30 डिग्री दिया, लंब कितना है तो लंब आपके पास है ए बी, और कर्ण कितना दिया तो कर्ण दिया है 236। अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 ए बी और बटा का 236, ए बी को 2 से गुना कर दीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा तो ऊपर को नीचे कर देते हैं और नीचे को ऊपर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ए बी, और 236 को कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 236, ए बी यहाँ से निकालिएगा तो ए बी बराबर होगा 236 और बटा का 2, यानी भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी ये ए बी जो चौड़ाई निकला वो कितना निकला तो 118 मीटर निकला, कितना निकला 118 मीटर, यानी नदी की चौड़ाई कितनी होगी तो नदी की चौड़ाई जो है 118 मीटर होगी। अब देखिए सात का दूसरा क्वेश्चन, सात का दूसरा कहता है मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं, पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदेश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से जो है इसी तरह का क्वेश्चन है, तो देखिए फिर से क्या बनाना है, नदी बनाना है, और नदी बन गया, इसका नाम ए दे दीजिए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और क्या कह रहा था कि मान लीजिए कि वो जो है किनारे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो देखिए 60 डिग्री का कोण बन गया। अब कह रहा है कि किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, ये कितना मीटर की तय दूरी है तो 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी, तो नदी की चौड़ाई के लिए फिर से हमें क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, तो देखिए ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण और लंब में संबंध निकालेंगे तो ये किस में आता है, तो ये आता है साइन थीटा में, तो साइन थीटा दिया 60 डिग्री, और ये हो जाएगा लंब आपका ए बी, और कर्ण जो है वो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा ए सी। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट अंडर 3 और बाई 2 ए बी, ए बी आपको नहीं पता है तो ए बी को ए बी रहने दीजिए, और ए सी आपको पता है कितना 200 तो 200 रहने दीजिए, 2 को ए बी से गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 ए बी, और इससे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200 रूट अंडर 3। अब देखिए ए बी जो निकालिएगा तो ए बी के साथ 2 जो है गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 200 रूट अंडर 3 और बट्टा का क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये तो कट जाएगा 100 बार में, 100 दुना 200 हो जाएगा, और ये जो है कट गया तो अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 100 रूट अंडर का 3, कितना हो जाएगा 100 रूट अंडर 3, यानी नदी की चौड़ाई कितनी है तो 100 रूट 3 मीटर जो है नदी की चौड़ाई है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एट क्या कह रहा है, एट कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो देखिए कह रहा है कि एक जो है स्तंभ है, क्या है एक स्तंभ है जिसकी छाया जब भी बनेगा तो इधर बनेगा, तो ये इसका जो छाया बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो ये स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। मान लीजिए कि ये ए और बी, ये क्या है तो ये आपका स्तंभ है,
स्तंभ को यदि मान लीजिए एक्स है तो स्तंभ की जो ये जो छाया बन रहा है स्तंभ की ऊंचाई का कितनी गुनी बन रही है, तो एक्स गुना वन बाई रूट थ्री गुनी बन रही है। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से इसका जो है उन्नयन कोण यानी ये थीटा हमसे पता कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार लगाइएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर एक्स, लंब हो गया एक्स और आधार क्या हो गया, तो आधार हो जाएगा एक्स से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स और रूट अंडर का थ्री। अब देखिए इसे कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये टेन थीटा, टेन थीटा बराबर देखिए इसे जो हल कीजिएगा तो ये ऊपर एक्स रहेगा और ये भाग में है तो गुना में चेंज होगा तो रूट थ्री ऊपर जाएगा और एक्स नीचे आएगा। देखिए एक्स से एक्स कट गया, बचा क्या, तो बचा रूट थ्री, क्या बचा, रूट थ्री, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट थ्री। अब देखिए टेन रूट थ्री जो है टेन कितना का वैल्यू है, तो टेन थीटा बराबर ये 60 डिग्री का वैल्यू है तो यहाँ लिखिएगा टेन 60 डिग्री। देखिए टेन से टेन कट जाएगा तो बचा क्या थीटा, और थीटा बराबर कितना बचा 60 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये बनाएगा 60 डिग्री का कोण। ये जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 कह रहा है एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है, साकरण लिखिए। देखिए सबसे पहले कहा क्या कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है जो 15 मीटर ऊंचाई, 15 मीटर का जो है ऊंचाई का एक क्या है, तो एक जो है दीवार है, तो ये मान लीजिए आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दीवार, दीवार कितना मीटर ऊंचा है, तो ये जो है 15 मीटर है, और इससे क्या लगा हुआ है, तो इससे जो है एक सीढ़ी लगा हुआ है, तो सीढ़ी जब भी लगेगा तो तिरछे में लगेगा, तिरछी लंबाई का, तो ये कितना होगा 30 मीटर सीढ़ी हो गया। तो कह रहा है सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है, देखिए दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, सीढ़ी भूमि के तल के तल से कितना कोण बना रही है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो ये कोण पूछ रहा है यानी ये थीटा पूछ रहा है, तो इसको मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी। तो देखिए इस दोनों में यदि संबंध निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो हमें लंब और कर्ण में संबंध मिल जाए तो निकल जाएगा, ये किस में मिलेगा, तो साइन थीटा में मिलेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा का कर्ण होता है, पी बाई एच, तो देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा, और पी आपके पास कितना है, तो 15 है, और कर्ण कितना है, तो 30 है, देखिए 30 हो गया। अब यहाँ लिखिएगा साइन थीटा, साइन थीटा तो ये कट जाएगा 15 एकम 15 और 15 दुना का 30 यानी 1/2। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1/2 जो है साइन थीटा कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये जो है 30 डिग्री का वैल्यू है, कितना डिग्री का वैल्यू है 30 डिग्री का। अब देखिए साइन साइन कट के तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या थीटा बचेगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी हमसे क्या पूछ रहा था, यही चीज़ पूछ रहा था कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 9 का दूसरा प्रश्न, 9 का दूसरा कहता है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, साकरण लिखे। तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो स्तंभ कोई भी दिया रहे तो आप उसे क्या कीजिएगा, सीधा खड़ा कीजिएगा, इसकी लंबाई कितना दिया, तो इसकी जो ऊंचाई है ये आपको दे दिया 2√3 मीटर, कितना दे दिया 2√3 मीटर, और इसकी जो परछाई बन रहा है, परछाई जब भी बनेगा तो इधर से सूर्य होगा, मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ सूर्य है, तो इसके जब भी परछाई बनेगा तो इधर की ओर बनेगा, तो परछाई कह रहा है कि 2 मीटर बन गया, तो देखिए 2 मीटर बन गया। अब कह रहा है कि तो सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ से कोई व्यक्ति सूर्य को देखेगा तो इसके साथ जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी, तो हमें क्या पता करना है, ये थीटा पता करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब, ये आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगाइएगा कि लंब बटा आधार आ जाए, तो ये आपका आने वाला है टेन थीटा में, तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब, और लंब कितना है, तो पी, और आधार क्या है, तो आधार है बी, देखिए टेन थीटा, टेन थीटा लंब, लंब कितना दिया, तो लंब दिया आपको 2√3, और आधार कितना दिया, तो 2 दिया, देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या, तो बचा ये √3, तो √3 लिखिए। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर √3 जो है, टेन कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये जो है 60 डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री यानी टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री, तो ये जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि 10 थीटा और 15/8 हो तो पतंग की कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है। और इसकी डोरी की लंबाई क्या दिया? डोरी की लंबाई जो दिया, डोरी की लंबाई, जब भी डोरी होगा तो इस तरह से उड़ता है पतंग जो है, तिरछा उड़ता है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 25 मीटर। क्या हो जाएगी? 25 मीटर। तो कह रहा है कि इसके साथ ज़मीन के साथ थीटा कितने का बनाएगा। तो देखिए ये आपका क्या हो गया? थीटा हो गया। तो ये पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये निकालना होगा। तो इसे मान लीजिए ए है, और ये क्या है? बी है, और ये सी है। तो देखिए इस किससे निकालिएगा, तो ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। तो लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। देखिए तो ये जो है 85 मीटर है, और हमें क्वेश्चन में दे दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में कह दिया कि 10 थीटा बराबर जो है वो कितना है, तो 15/8 है। क्या है? 15/8 है। तो देखिए 15/8 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण मतलब ए सी, लंब इसका इधर 15 हो जाएगा। तो अगर हम निकाल लेते हैं, यहाँ से ए सी निकाल देते हैं, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? लंब, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 हो जाएगा। और इसे जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 4 का 9 हो जाएगा, 6 2 8, और ये 2। देखिए 289 हो गया। तो 289 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? तो 17 होता है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है? अब निकालना है हमें साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालिएगा, तो देखिए अब जो हमें कर्ण निकला था ये निकला था 17, और इसके अनुसार जो लंब था ये था 15, और आधार था 8। तो देखिए ये जो हमें यहाँ से जो साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब, और लंब कितना है? तो 15। और इस कर्ण को लेना है, तो कर्ण आपके पास कितना हो गया? 17 हो गया। फिर अब निकालिएगा इससे, ये जो 85 मीटर दिया इससे अब निकालिए साइन थीटा। तो यहाँ से जो हम साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब, चूँकि ये तो दूसरा था, मान लीजिए यहाँ पर एक और त्रिभुज बना देते हैं, तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार, और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, यानी P, B और H। इस त्रिभुज के लिए तो हमें ये भुजा नहीं पता था, AC नहीं, AB नहीं पता था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? AB लिखिए, और इसका कर्ण जो है कितना हो जाएगा? तो 85 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, चूँकि हम जो ये निकाले थे इसी के लिए निकाले थे, ताकि यहाँ पर हम साइन थीटा बैठाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा? तो AB मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ रखिएगा, तो ये हो जाएगा 15/17 और इक्वल टू AB, और बटा का क्या हो जाएगा? 85। अब देखिए ए बी यहाँ से निकालिएगा, तो ए बी के साथ 17 गुना में हो जाएगा, और ये 85 और गुना का 15, और बटा का क्या हो जाएगा? 17। देखिए ये कट जाएगा, 17 × 5 = 85, इधर बचा क्या? तो इधर बचा 5 और गुना का 15। इसे जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75 मीटर। यानी ये पतंग की जो ऊँचाई है वो कितने मीटर की है? तो वो जो है 75 मीटर की है। कितने मीटर की? 75 मीटर की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है, एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेड़ बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 11 है, तो यहाँ लिखिए 11, और ये एक पेड़ बना लीजिए। मान लीजिए ये क्या है? आपका पेड़ है, पेड़ बन गया है। अब कहा कि एक आदमी है जो कितना मीटर लंबा है आदमी, तो ये जो है 1.5 मीटर है। कितना है? एक 1.5 मीटर है, और वृक्ष से जो इस आदमी की दूरी है वो कितना है? तो वो जो है 36 मीटर का है। कितना मीटर का है? 36 मीटर का है। और ये आदमी जो है वृक्ष की चोटी को देखता है, तो इसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। देखिए अब ये व्यक्ति होगा तो इसका आँख तो ऊपर ही होगा, तो यहाँ से बनेगा तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। अच्छा ध्यान से देखिए, तो अगर ये 36 मीटर होगा तो ये भी क्या होगा? 36 मीटर होगा। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर का ही होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इस वृक्ष की जो है ऊँचाई ज्ञात कीजिए। तो इसे मान लीजिए ये ए है, और ये बी है, और ये
लीजिए सी, इसे मान लीजिए डी और इसे मान लीजिए ई। तो अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में चलना है। तो देखिए त्रिभुज कौन सा होगा, तो ए बी और सी त्रिभुज होगा, सी त्रिभुज लीजिएगा और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस कोण से देखिएगा तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब और आधार में संबंध लाना है, तो ये किस में आता है, तो ये आता है टेन थीटा में, और थीटा आपको कितना पता है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ रखिए 60 डिग्री, और लंब कितना है, तो लंब आपके पास है ए बी, और आधार कितना है, तो आधार आपके पास है बी सी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। देखिए टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ए बी तो आपको नहीं मालूम है, तो ए बी को ए बी रखिए, और बी सी कितना पता है, तो 36 पता है, तो 36 रखिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक तो इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, एक को ए बी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, और 36 को √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36√3। लेकिन अभी आपको क्या निकला, ए बी निकला, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपको कि ए से डी यानी पूरे वृक्ष की ऊंचाई पूछ रहा है। तो वृक्ष की ऊंचाई लिखिए, वृक्ष की ऊंचाई जो निकालिएगा, तो वृक्ष का ऊंचाई निकालने के लिए इस 1.55 को भी जोड़ना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 36, और गुना में इसे गुना कर लीजिए 1.732 से, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, और इस सभी को जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, तो वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, देखिए इसे करीब जोड़िएगा तो ये आप देखिए इसे जोड़िएगा तो ये करीब 63.852 मीटर लगभग हो जाएगा, यानी इसका कितना ऊंचाई हो गया, वृक्ष की ऊंचाई तो 63.852 मीटर।